एपीथीलियल टिश्य टाइप्स एंड फंक्शंस फर्स्ट द्लासिफिकेशन ऑफ एपिथीलियल टिश्य सिंपल सिकोम एपीथिलियल टिश्यूबाइडल टिश्य कॉलमरल एपीथिलियल टिश्य सीडोस्टैटिफाइड सिलेटेड टिश्य एंड स्टैटीफाइड सिकोमस एपीथीलियल टिशोज स्टूडेंट्स अभी हमने जो पार्ट वन है इसका उसमें डिस्कस किया था कि एपीथीलियल टिश्य हैं दे आर फार्मिंग द आउटर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स और डिफरेंट जो वो बॉडी पार्ट की आउटर मोस्ट लाइनिंग जो है उसको बनाते हैं अब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर एपीथीलीम जो है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही है लिहाजा अकॉर्डिंग टू फंक्शन इसके जो वो सेल जो है मॉडिफाइड होते हैं तो सिंपल्ली दो इसकी एपीथीलीम की जो सेल्स की शेप है या फिर उसका जो वो अरेंजमेंट uh, है वो रिलेट करती है इसके फंक्शन से तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम इसके शेप्स को देखते हैं और इसके फंक्शन की परफॉर्मेंस के ऊपर देखें तो एपिथेलियल टिश्यूज़ को हम डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं जिसमें हमारे पास सबसे पहले आगे जैसे हमने कॉन्टैक्ट्स में कहा है सिंपल स्केमस एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं देन क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यूज हैं कॉलमनर हैं सीडोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड सेल्स हैं सीडोस्ट्रेटिफाइड को हम सिंपल सम टाइम सिर्फ सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज कहते हैं इस तरह से स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियल टिश्यूज हैं सो स्केमस एपीथीलियल टिश्यूज अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो स्केमस एपीथीलियल टिश्यूज आर दो सेल्स आर फ्लैटिन शेप फ्लैटिन शेप के हैं और इसके अलावा ये टाइटली अरेंज है मीन इनके दरम्यान स्पेसिस का मीन ये टाइटली अरेंज पैक्ड जो सेल्स हैं अरेंज सेल्स हैं एंड दे आर दी एक्चुअली सिंगल लेयर्स इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिंगल लेयर फॉर्मेशन है फ्लैटिन शेप है एंड टाइटली अरेंज मीन दरमियान में गैप इनके नहीं है लोकेशंस अगर हम देखें ये कहाँ कहाँ दिस टाइप ऑफ एपिथिलीम कहाँ का एग्जिस्ट करते हैं? ये नॉर्मली इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के अंदर जैसे एयर सेक्स हैं लाइनिंग ऑफ हर्ट हैं हार्ट की लाइनिंग हैं ब्लड वेजल्स हैं लिफेटिक सिस्टम है या फिर किडनी के जो है वो कुछ ट्यूबुलर पोर्शन के अंदर मौजूद हैं वट्स इज फंक्शन नॉर्मल लंग्स के अंदर अगर मौजूद हैं तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प आउट कर रहे हैं इसी तरह से जब ये ब्लड वेजल्स के अंदर मौजूद है तो फ्लो ऑफ मटेरियल को हेल्प आउट करेंगे क्योंकि ब्लड वेजल्स के अंदर से ब्लड फ्लो करेगा तो जब ब्लड वेजल्स की लाइनिंग स्केमस एपिथिलियम से बनी हुई तो इट मीन्स ये उसको सिंपली क्या करेगा मूव ऑन करेगा फ्लो ऑफ मटेरियल को ये हेल्प आउट करेगा इस तरह से किडनीज के अंदर ये है तो इट विल हेल्प इन द फिल्ट्रेशन प्रोसेस तो किडनी का जो ग्लू मेरुलस पोर्शन है उसके अंदर ये क्या करेगा हो फिल्ट्रेशन होगा जिसके ब्लड फिल्ट्रेशन होगी जिससे क्या होता है यूरिन फा जो वो बनेगी और जो ब्लड है उसमें से नाइट्रोजन वेस्ट अलग हो जाएंगे हियर वी हैव डायग्राम ऑफ स्केमस एपिथेलियम टिश्यूज यहाँ आप स्केमस एपिथिल टिश्यू डायग्राम में देख सकते हैं कि ये सेल्स एक तो फ्लैट इन शेप हैं। अगर आप शेप देखें तो ये बिल्कुल फ्लैटन है एंड दे आर टाइटली पैक्ड दरमियान आपको कोई गैप नजर नहीं आ रहा ठीक है तो इस तरह से यही इसके और सिंगल लेयर्स की फॉर्म में है मीन दे आर फार्मिंग द मोनो लेयर मल्टीपल लेयर्स नहीं होती हैं दे आर क्यूबॉडल क्यूब कहते हैं डब्बे की शेप के यानी कि जो होती -like सेल्स ये भी स्केमस की तरह टाइटली पैक्ड हैं और दिए दे आर फार्मिंग एक्चुअली दे किडनी ट्यूब्यूल्स किडनी के अगर हम देखें उसके जो किडनी का जो फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है उसका जो ग्लोमेरल पार्ट है जहाँ फिल्ट्रेशन हो रही है वो बेसिकली स्केमस थेल्स हैं लेकिन आगे जो ट्यूबुलर पोर्शन आएगा तो उसके अंदर बेसिकली ये ट्यूबाइडल सेल्स होंगे इस तरह से डक्ट्स और स्मॉल ग्लैंड जो हैं दे आर आल्सो जो डिफरेंट टाइप जो डक्ट्स हैं या ग्लैंड हैं एक्जोक्राइन ग्लैंडस होते हैं उनकी जो लाइनिंग्स होती है दे आर आलसो मेड अप ऑफ द्यूब क्यूबाइडल एपिथीलियल टिश्यूज वट विल बी देयर फंक्शन किडनी की ट्यूब्यूल के अंदर फंक्शन इसका होगा एबजॉर्बेशन करना क्योंकि जब ब्लड फिल्टर होता है तो नाइट्रोजन वेस्ट के साथ साथ कोई यूजफुल सब्सटेंसेस भी यूरन के अंदर चली जाती हैं तो फिल्टर आउट हो जाती हैं तो उनको दोबारा रीअब्जॉर्ब करना जो है वो किडनी ट्यब्यूल का काम है और किडनी ट्यूब्यूल बेसिकली बनी है क्यूबाइडल सेल्स से इसी तरह से जो ग्लैंड का हमने कहा कि ग्लैंड के अंदर क्यूबाइडल सेल्स होते हैं

वर्ड इज इंडिकेटिंग कि ये जो ऐसे एपिथेलियल टिश्यूज हैं जो कॉलम की शेप के हैं लंबूतरे हैं ठीक है और ये कॉलम एपिथेलियल टिश्यूज भी सिंगल लेयर बनाते हैं और अगर हम इसको देखें दे आर प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव ट्रैक हैं इसके अलावा एक्सक्यूटरी सिस्टम के कुछ पार्ट्स हैं या फिर डिफरेंट डग्स जो होती हैं उसमें पाए जाते हैं ग्लैंड के डर्ग्स में एक्सक्यूटरी सिस्टम के यूरिटरी वगैरह जो जो एक्सक्यूटरी पोर्शन है उसके हिस्सा हैं और इसके अलावा जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर ये पाए जाते हैं वट्स देयर फंक्शन डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर इनका बेसिक फंक्शन होगा कि ये बेसिकली क्या करें न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे इस तरह से जब ये डक्ट्स के अंदर पाए जाते हैं ग्लैंड्स के अंदर तो ये एंजाइम एनजा वगैरह में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फिर वी हैव डायग्राम ऑफ कॉलमनर एपीथिलियल टिश्यूज इसमें अगर आप देखें अगेन ये वाइट कलर कैविटी है इसको जो लाइन करने वाले सेल्स हैं ये देखिए अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास कॉलमनर एपीथिलियल टिश्यूज हैं हर एपिथिलियल टिश्यूज को अगर आप देखें तो ये इसमें ये पिंक कलर का आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है जबकि

तो सीडो का मतलब ये ऐसे सेल्स हैं जो मल्टीपल लेयर्स नहीं बनाते लेकिन अपीयर यूँ होते हैं पता ये चलता है कि मल्टीपल लेयर्स हैं दूसरा इसके जो वो सिलिएटेड है ये वो सेल्स हैं जिनके ऊपर सीलिया मौजूद होते हैं और कॉलमनर मीन ये कॉलमनर शेप के होते हैं अच्छा सीडो स्टेटिफाइड टिश्यूज की पहले अगर हम देखें अकरेंस क्या है ये बेसिकली हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ट्रैकिया के लाइनिंग्स में सिलिएटेड सेल्स पाए जाते हैं इसी तरह से जो रिप्रोडक्टिव uh, ट्रैक है रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर भी क्या होता है कि ये यानी कि जो यूट्राइन वाल है ओवीडक्ट वगैरह क्या गया उसको क्या आता है इसमें ये सीलिएटेड सेल्स सीलिया पर जो वो पाए जाते हैं सिलिटेड सेल्स हैं वट देयर फंक्शन फंक्शन इनका बेसिकली है चूंकि सीलिया है ऐसे इन सेल्स के ऊपर सीलिया मौजूद है तो सीलिया जब बीट करेंगे दे विल मूव द मटेरियल्स आप देखिए दिन भर जब हम सांस लेते हैं तो उसमें डस्ट पार्टिकल बैक्टीरिया हमारे नेजल पैसेज को क्रॉस करके लंग्स की तरफ गिर जाने की कोशिश करते हैं अब नेचर ने हमारे बॉडी के अंदर एक फ़िल्टर लगाया हुआ है वो फिल्टर है हमारे ट्रैक किया किए म्यूकस मेम्ब्रेन है जितने भी बैक्टीरिया और डस्ट पार्टिकल्स हैं वो जैसे ही नेजल पैसे से एंटर होंगे तो ट्रैक किया यानी विंड पाइप के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन में ये फंस जाएंगे फिर वो डस्ट पार्टिकल्स को वापस यानी कि ऊपर इसकी तरफ पुश करना जो है या जो भेजना है दोबारा माउथ की तरफ भेजना ताकि हम जब उसको यानी कि जब कफिंग वगैरह करते हैं तो वो सूट ब्लैक आप शाम को जब खांसते हैं तो अक्सर वो देखते हैं कि ब्लैक कलर का सूट जो वो गले से निकल रहा होता है या रेशा वरा निकल रहा होता वो बेसिकली वो रेशा ट्रैकिया से ऊपर कैसे आ गया है वो इस ये बेसिक जॉब जो है वो सीलिएटेड सेल्स की होती है वो क्या करते हैं अपने सीलिया से मसल सेल ऊपर पुश करते जाते हैं हमारे चाहे वो मटीरियल जहाँ वो डस्ट पार्टिकल्स हैं बैक्टीरिया है जो भी चीज़ है उसको बाहर बेचते जाते हैं रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर सीलिया मौजूद होते हैं जो एग को आगे की तरफ पुश करते हैं क्योंकि जब उसमें ओविडक्ट लॉन्ग ओविडक्ट होती है तो उसमें एग को आगे की तरफ सा पुश करना जो बेसिकली सिलिएटेड सेल्स की जॉब है अब इस डायग्राम में ये हमारे है पास हैं सिलिएटेड सेल्स अब सिलिएटेड सेल्स की एक प्रॉपर्टी है कि दे आर हैविंग सीलिया टॉप के ऊपर आपको सीलिया नजर आ रहे हैं दूसरा कॉलमनर शेप है अगर आप इसको देखें ये बकायदा बायदा कॉलमर शेप बना रहे होते हैं कॉलमनर सिलिएटेड सेल्स हैं सूडोस्ट्रेटिफाइड सूडोस्ट्रेटिटीफाइड का मतलब यह कि अगर आप देखें तो आपको न्यूक्लियस की एक लेयर नजर आ रही है उसके नीचे न्यूक्लियस की दूसरी लेयर नजर आ रही है तीसरी लेयर नजर आ रही है दो ले बड़ी क्लियर हैं अगर हम वैसे देखें तो पता चलता है यहां से यहां तक सेल्स की दो लेयर्स हैं लेकिन अगर गौर करें तो ये बेसिकली एक ही सेल के अंदर टू न्यूक्लियस या मल्टी न्यूक्लियाई मौजूद हैं कुछ न्यूक्लियस एक लेयर बनाते हैं कुछ न्यूक्लियस दूसरी लेयर बनाते हैं तो बेसिकली ये न्यूक्लियस की लेयर्स हैं सेल्स की लेयर नहीं है सेल्स एक ही सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है तो न्यूक्लियस की मल्टी लेयर की वजह से हम इसको स्ट्रेटिफाइड समझते हैं यानी मल्टी लेयर्स को इंडिकेट करते हैं स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपीथिल टिशूज स्केमस ये वो सेल्स हैं जो हमारी स्किन का सबसे आउटर मोस्ट जो वो बना रहे हैं तो स्केमस एपीथिल टिश्यूज स्किन को हमारी स्किन के आउटरमोस्ट जो हैथीली में इसको बनाते हैं जी स्टैटिफाइड स्टैटिफाइड का मतलब अभी जैसे पीछे हमने पढ़ा है सूडोस्टैटिफाइड यानी ऐसे जो मल्टी लेयर्स नहीं हैं तो जबकि स्टैटिफाइड स्केमस टिश्यूज ये स्किन बना रहे हैं दे आर मल्टी लेयर सेल्स ये मल्टी लेयर सेल्स होते हैं और आमतौर पर इसमें जो क्रेटिन प्रोटीन ज़्यादा होती है इसलिए इसको हम कहते हैं करेटीनाइज सेल्स होते हैं डेड सेल्स जो है वो लेयर्स बनाते रहते हैं अब अगर हम देखें तो मेनली ये स्किन में मौजूद है इसके अलावा एसोफिगस ओरल और और कैविटी जो है माउथ जो है उसकी लाइनिंग लाइनिंग्स में भी एपिथेलियल टिश्यू जो है वो एग्जिस्ट करते हैं तो इनका बेसिक फंक्शन जो है वो प्रोटेक्शन है यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टैटीफाइड्स एपिथेलियल टिश्यूज़ की बहुत सारी लेयर्स हैं ये जो एक नीचे डार्क लाइन नजर आती है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है बेसमेंट मेम्ब्रेन से ऊपर जितनी भी लेयर्स हैं वो सारी सारी एपिथेलियल टिश्यूज़ की हैं तो मल्टी लेयर्स सेल्स होते हैं स्टेटीफाइड स्केमेस एपिथेलियल टिश्यूज़ के